हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी किचन पर। आज हम बनाएंगे तिल और मूंगफली से एकदम परफेक्ट लड्डू, जो कि आप देख रहे हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में ही। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने की रेसिपी। तिल और मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया 100 ग्राम तिल और अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमने कढ़ाई को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। हम इसे तब तक चलाते हुए भूनेंगे जब तक यह ब्राउन नहीं होने लगता। तिल और गुड़ के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। यह स्पेशली मकर संक्रांति को बनाया जाता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा यह तिल अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम मूंगफली को भूनेंगे। हमने मूंगफली लगभग 200 ग्राम लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा मूंगफली अच्छे से भून चुका है और हम इसे अपने हाथों से इस तरीके से चेक कर लेंगे कि अच्छी आसानी से निकल जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा मूंगफली भून चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके छिलके निकाल कर मूँगफली को दो पार्ट में तोड़ लें। और यहाँ पे अभी हमारा कढ़ाई गर्म है इसलिए हम इसका फ्लेम लो कर लेंगे। हम यहाँ घी डाल रहे हैं, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम लगभग गुड़ और इसे इसमें डालेंगे और अब हम इसे मेल्ट होने तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। और अगर ये गुड़ आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप इसे चाकू के मदद से छोटा छोटा करके डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद इस तरीके से कलछी से काट सकते हैं और इसे लो फ्लेम पर हम धीरे धीरे पकाएंगे, नहीं तो यह गुड़ नीचे से जलने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है और अब हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये हमारा लड्डू बनाने लायक हुआ है कि नहीं। यहाँ हमने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें गुड़ को डालकर चेक कर लेंगे। अभी यह ज़्यादा नरम दिख रहा है इसलिए हम थोड़ा सा गुड़ को और पकाएंगे। इसे हमने 2 से 3 मिनट और पकाया है और अब हम फिर से इसी बाउल में थोड़ा सा बैटर डालकर चेक कर लेते हैं कैसा हुआ है हमारा ये। देखिए यहाँ पर हमारा ये गुड़ अच्छी तरीके से टूट जा रहा है, इसका मतलब हमारा गुड़ रेडी है। और अब हम इसमें डालेंगे ये भुने हुए तिल और ये भुने हुए मूंगफली। हमने इसे दो पार्ट में कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मूंगफली को ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पीस के भी डाल सकते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सारे लड्डू को अच्छे तरीके से बांध लिया है और आप चाहे तो हाथों में थोड़ा सा तिल लेके इस तरीके से लड्डू में चिपका भी सकते हैं, इससे देखने में हमारा लड्डू बहुत अच्छा लगेगा।
ये देखिए हमारा तिल और मूंगफली का लड्डू बनकर तैयार है। यह खाने के लिए भी रेडी है एकदम, और देख सकते हैं खाने में यह बहुत ही टेस्टी होगा। और आप चाहे तो इसमें या केवल तिल या केवल मूंगफली से भी बना सकते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और या मेरे वीडियो में कुछ आपको गड़बड़ लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।